Welcome to Joyful Yoga Family with Meeta. Very happy International Yoga Day. सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, अब बात करनी नहीं है, अभ्यास करना है हम सबको पूरी फैमिली के साथ. आज सबसे बड़ी समस्या COVID-19 हमारे सामने है. कोई दवाई या वैक्सीन से हराना हमारे हाथ में नहीं है, पर हम सब इसे हरा सकते हैं. जी हाँ, योगा से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करके, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा फिट एंड हेल्दी होने से. योगा अभ्यास में तो मेडिटेशन और प्राणायाम आते ही हैं, हमें न्यूट्रिशन का भी पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट तो बंद हुए ही हैं, पर लोगों ने खूब दावतें उड़ाई हैं, फ्राइड, मैदा, शुगर, जंक फूड सब घर में. इसके बदले हमें फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, सैलड्स और स्प्राउट्स लेना है ज़्यादा से ज़्यादा. अपनों के लिए स्वस्थ रहना है. अगर खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपनों का कैसे रख पाएंगे, क्योंकि इस समय पूरे विश्व के सामने चैलेंज है खुद को साबित करने का. इस संकट में संयम हम योग से सीखते हैं. COVID-19 भी एक चैलेंज लेकर आया है, खुद को बेहतर बनाने का चैलेंज. योगा सिर्फ शरीर को नहीं मन को भी मजबूत करता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. आइए प्रतिदिन कौन से योगा अभ्यास लाभदायक है और आसान है हम उससे शुरुआत करते हैं. ताड़ासन बच्चों के लिए बहुत सर्वोत्तम है, क्योंकि इससे हाइट बढ़ती है और एकाग्रता भी, इसलिए हम सभी को करना चाहिए. सीधे खड़े होकर हाथ सर पर, उंगलियों को लॉक करना है. सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर तानेंगे, हथेलियाँ ऊपर की ओर, एड़ियाँ जमीन छोड़ देती हैं और दोनों हाथ कान से लगे हुए होते हैं. इसे कोशिश करिए 20 सेकंड तक के होल्ड करने की. उसके बाद अपनी स्थिति में आ जाना है सांस छोड़ते हुए. इसे 5 से 10 बार आसानी से कर सकते हैं. यह ताड़ासन ताड़ासन की तरह ही होता है. हथेलियाँ वैसी बनी होंगी, कोहनी ऊपर होगी, लेकिन पैरों के बीच में अंतर होगा, शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा. अब हम किसी एक ओर दाहिनी ओर मुड़ते हैं और एकदम साइड होंगे, थोड़ा आगे या पीछे नहीं. इससे पेट की चर्बी कम होती है, पर आपके घुटने और कोहनी बिल्कुल भी मुड़ने नहीं चाहिए. और सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ करेंगे. ये रिपीटेशन 10-10 बार, मतलब 20 बार करना है. कटिचक्रासन, ये दो शब्द से बना है, कमर और चक्र. कमर का चक्र करना है, ट्विस्ट करना है. कमर को दाएं ओर मोड़ना है और बाएं ओर मोड़ना है. इसे हम हाथ फैलाकर भी कर सकते हैं. एक दाएं ओर मोड़ते हैं तो एक चक्र होता है, और बाएं तरफ मोड़ने से दो चक्र होते हैं. इसके 5 चक्र करने होते हैं. इससे बहुत फ़ायदा होता है. कमर पतली होती है, सीधा चौड़ा होता है, कब्ज में राहत मिलती है और कंधे भी मजबूत होते हैं. त्रिकोण आसन, पैरों के बीच में मैक्सिमम गैप रखना है, जितना सहज लगे, क्योंकि योगासन में सहजता बहुत आवश्यक है. अपने आप को कष्ट देकर कोई भी आसन नहीं किया जाता है. हाथ शोल्डर के समानांतर रखना है, राइट हैंड से राइट लेग को टच करना है और फिर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करते हैं. यह बहुत आसान आसन है और ये पेट की साइड की चर्बी के लिए बहुत असरकारक भी है. वृक्षासन, खड़े होकर अपने एक पैर को हाथों की सहायता से थाइस पर लगाना है. इस तरह दोनों हाथों को तानते हुए सिर के ऊपर नमस्कार की मुद्रा में. ये वृक्ष का आकार बनाती है, हमें बैलेंस होना सिखाती है. फिर इसी तरह दूसरे पैर से करना है और होल्ड करने की कोशिश करें 10 से 20 सेकंड तक के, और इसके हमें 5 सेट करने हैं. गौमुखासन, सबसे पहले सुखासन की स्थिति में आ जाएंगे. दाएं पैर की एड़ी हिप के नीचे होगी और बायां पैर दाएं थाइस के ऊपर में. यहाँ पे बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ भी ऊपर से, कंधे के ऊपर से पीछे जाएगा, और दायां पैर नीचे है तो दाएं हाथ भी कमर के बगल से पीछे की ओर. दोनों हाथों को लॉक करना है पीछे, पीठ के पीछे, और जिनका नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी होल्ड करके रखे रहेंगे. कोशिश करें 10 मिनट तक के होल्ड करें. ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है. इसे हमारा बॉडी का पोस्चर सुधरता है. जो कंधे झुके हुए होते हैं बैठते हुए चलते हुए, वो उसमें सुधार आता है. आर्म्स टोन अप होते हैं, साइटिका और बैक पेन को रिमूव करती है, और साथ ही पूरे पैर, नी,
knee, thighs, hip, calf muscles, ankle muscles को मजबूती दे। लुक आसन, वज्रासन की स्थिति में आना है, फिर बहुत लंबी गहरी सांस लेकर बाहर पूरी तरह छोड़ देनी है। दोनों हाथों को मुट्ठी बांधकर पेट में पेट के पास लेकर आना है नाभि के समीप। फिर कोशिश करें नीचे झुकने की, जितना झुक सके अपने क्षमता के अनुसार, और होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड के लिए। यह बहुत फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ वालों के लिए, बहुत फ़ायदा करती है, पेट के लिए बहुत लाभदायक है। इस आसन में मेढक की तरह आकृति प्रतीत होती है। तितली आसन, दोनों पैरों के पंजे को सामने लाना है और दोनों हाथ के पंजों से ब्लॉक कर देना है। कमर एकदम सीधी होगी, दोनों घुटने एक साथ ऊपर और नीचे आएंगे। ये लेडीज़ की नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती है और मूड स्विंग्स में भी, पैरों की समस्या हो तो भी फायदा होता है। पवन मुक्तासन, सीधे पीठ के बल लेट जाना है। अब पैर का घुटना मोड़कर दोनों बाहें लगाएं, सांस छोड़ना है। घुटने को दबाते हुए सीने के ऊपर लाएं और सिर भी उठाकर घुटने के करीब लाएं। थोड़ी घुटने को टच करेगी, होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए। सांस लेते हुए फिर पैर वापस लाएं। दूसरे पैर से ये क्रिया दोहरानी है, ये एक सेट हुआ। इसके बाद दोनों पैरों से यह क्रिया फिर से दोहरानी है। यह पेट से जहरीली गैस निकाल देती है, कब्ज के लिए फायदेमंद है और मोटापे को भी दूर करने में मददगार है। इससे पाचन तंत्र बेहतर होता है, रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मरकट आसन, मैट पर सीधे लेट जाना है पीठ के बल। दोनों हाथ कंधों के समानांतर फैलाएं, हथेलियां आकाश की तरफ खुली होंगी, घुटने थाई से लगे होंगे और जिस डायरेक्शन में घुटने मुड़ेंगे अपोजिट डायरेक्शन में सिर को मोड़ना है। यह बहुत रिलैक्स फील कराता है। ये 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है एक एक साइड पे। इसके 3 से 5 सेट कर सकते हैं, पर जिसे हर्निया, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द है वे ना करें। इससे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, एकाग्रता बढ़ती है और नियमित रूप से करने पर एसिडिटी भी दूर होती है। उत्तानपाद आसन, सीधे पीठ के बल लेट जाना है। दोनों हाथ साइड में होंगी और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाकर होल्ड करना है। इसे 10 बार रिपीट कर सकते हैं। यह बहुत फायदेमंद है मोटापा के लिए, साथ ही थायराइड, कब्ज, शुगर, बदहजमी में भी बहुत लाभदायक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना है बस। कुछ आसन, कुछ क्रियाएं, थोड़ा सा अभ्यास, बस निरंतर प्रतिदिन होना चाहिए। यही याद दिलाना हमारा काम है। हम सबको स्वस्थ रहना है, न कोई दवाई की ज़रूरत होगी, न डॉक्टर की, न किसी हॉस्पिटल की, पर उसके लिए हमें अपना इम्यून स्ट्रॉन्ग करना है और यही आपका चैलेंज है। प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेगुलर योगा अभ्यास से खुद को फिट, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड जॉयफुल रखना है। हम आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन और यह जीवन मंगलमय हो। हरि ओम तत्सत्।